सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से मिल रही है, जहां अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के वक्त बताया जा रहा है ये फायरिंग हुई, और हालांकि प्रेस ब्रीफिंग प्रभावित हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार प्रेस ब्रीफिंग छोड़नी पड़ी और ड्रैन ट्रंप को एक सुरक्षित स्थान पर फिलहाल पहुंचाया गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर बताया जा रहा है ये फायरिंग हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की सूचना मिली है, हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त फायरिंग हुई उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने उन्हें पोडियम से उतरने के लिए कहा। कुछ वक्त के लिए प्रेस ब्रीफिंग भी रोकना पड़ी। हालांकि लगता है कि स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, सीक्रेट सर्विस को त्वरित और प्रभावी कार्य करने के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने धन्यवाद भी दिया है अपनी सीक्रेट सर्विस को। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, और उसी दौरान जब फायरिंग हुई, फायरिंग होती है तो वहां पर उन्हीं के सीक्रेट सर्विस का एक कर्मचारी जो है डोनाल्ड ट्रंप को सूचित करता है, बाहर फायरिंग हुई है, आप पोडियम से नीचे उतरिए, तुरंत आइए। और ये देखिए ये वो सीक्रेट सर्विस का कर्मचारी है जो बताता है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि आप पोडियम से नीचे आइए और सुरक्षित स्थान पर चलिए, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद हालांकि सीक्रेट सर्विस को डोनाल्ड ट्रंप ने धन्यवाद भी कहा है उनके त्वरित इस प्रभावी कार्य के लिए। And the Dow Jones are going to be, I mean, the way they're going, it looks like they're just about going to be topping records, hopefully soon. Excuse me? तो आप तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में, और पोडियम पर वो खड़े होकर प्रेस वार्ता कर रहे थे, और उसी दौरान जब बाहर फायरिंग हुई, शूटिंग हुई, उस वक्त एक कर्मचारी जो है पहुंचता है वहां पर उनके सीक्रेट सर्विस का, ये हवाला देते हुए कि आप सुरक्षित स्थान पर चलिए, हालात अनुकूल नहीं है, बाहर फायरिंग हुई है, और उसके बाद उन्हें पोडियम छोड़कर नीचे उतरने के लिए कहता है। पोडियम छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ओ माय गॉड निकलते हुए, वो पीछे सुरक्षित स्थान पर अपने सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निकल जाते हैं।